जय जगन्नाथ। ज्योतिर्विद डॉक्टर प्रमोद पात्र भाग्यफल कार्यक्रम कर्मकर्ता मानक तरफर के न्यूज टीवी परिवार तरफर और मनीजा तरफर समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत करुछ। आरंभ करवा कार्यक्रम बीज मंत्र सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्व बाधा प्रसम्मनम लोकेश क्लेश परी हरिओं तत्सत ओम शांति शांति शांति। विचित्र दुनिया ए विचित्र लोक आपण माने सप्तम आश्चर्य बुलिचंती परिवार सहित सांगसाथी मेलरे बंधु बांधव मेलरे भगवान कर दस अवतार देखिचंती। दुनिया एमती वर्तमान हो गला आपण बोधे देखुचंती किंतु जानी पारुनाथी। आजिकालीर मनुष्य होला अष्टम आश्चर्य एकादश अवतार चाली चलन कथोपकथन आचार व्यवहार सब ब्रत कर कहीं ये भाग्यफल कार्यक्रम खाली बारटी राशि नौटी आपणकर ग्रह सतैशटी नक्षत्र को जो पर्यवेक्षित शास्त्र पर्यवेक्षित नुह क्या 2000 मसीहा ठार 2024 मसीहा होगा लगातार भाव 15 विद्युत गणमाध्यम मुसली हेल्ला स्वतंत्रता कौन आपण मान गोटे धारणा जे ज्योतिष भाग्य बदल दबो भूल धारणा 77 वर्ष पदार्पण कली 50 वर्ष निम्न अदालत रु हाईकोर्ट पर्यंत वकिलाती कली 40 वर्ष ज्योतिष शास्त्र रे गवेषणा कली आ 15 16 विद्युत गणमाध्यम कही आसली मो अनुभूति मुझे कौटी ना भाग्यफल कार्यक्रम बस ज्योतिष केवे कार भाग्य परिवर्तन करी पारिबो नाही चैलेंज जदि करू थांता निज भाग्य परिवर्तन करू नाते निज परिवार करू नाते ताले कार्यक्रम चलीचे कहीं आपको उपस्थापना करी आपण मानक बुझेवाला मोर कर्तव्य किछि लोक अछंती कही पारुनांती रही पारुनांती सही पारुनांती। ज्योतिष होला गोटे मार्गदर्शक जीपीएस आज्ञा जीपीएस लगे आम विभिन्न दिगक जाऊँगी मार्गदर्शक केमी पूजा करा जीवो, को मंत्र पढ़ा जीवो, भगवान पाखे किपर समर्पण हो पार से विषयपाई भाग्यफल कार्यक्रम जदि भाग्य परिवर्तन कथा विभ्रांतिकर तथ्य कौन खाइबे सांविधानिक अधिकार समस्त नागरिक अच्छे से आमिष हो कि निरामिष हो किंतु पार्टी पर्यंत पार्टी भितर पशिगलापर कहीपर कि मांस भाई टी रक्त कानी पड़ा पनीर भाई टी अस्थि कानी पड़ा हेनी आज्ञा भगवान द्वारा शरीर गठन ही से एवरीथिंग इज ए प्री ऑर्डेन एंड प्री डस्टिन ताल तो मन मन भावुए जदि प्रत्येक जिनस पूर्व निर्धारित पूर्व निर्देशित ताल 24 वर्ष प्रमोद सार कहीं भाग्यफल कथा कह कहार मुख्य उद्देश्य होला गॉड इज नॉट द सोल ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी भगवान आम भाग्यर एकमात्र नियंता नुहंते वी आर आल्सो द को ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी आमे माने तार सह नियंता इफ यू डू द बेस्ट देन गॉड विल डू द रेस्ट भल काम कले से परिवर्तित करिवे कहीं आपण छोटिया उदाहरण टे दूच आम तो रामायण महाभारत 18 खंड पुराण भितर पर्यवेक्षित श्रीकृष्ण युद्ध क्षेत्र रे अर्जुन को जो मुख निसृत बाणी नेले गीता बोली कहगला मुख निश्चय आम कौन भावचे श्रीकृष्ण अर्जुन को कही ना आपण निजुक अर्जुन जगार रखु जो 700 श्लोक 18 अध्याय गीता आरंभ रु शेष अध्याय पर्यंत प्रथम श्लोक रु शेष श्लोक पर्यंत
प्रथम पृष्ठ शेष पृष्ठा पर्यंत कोठी हेले हिंदू शब्द नहीं। खाली आम दावी करूचे हिंदू ग्रंथ किसी ना। गीता हूँ कर्म संहिता कोड ऑफ कंडक्ट। आउ गोटे पहाच आग को जी कह मोर अनुभूति जो कहली मुझको पचास वर्ष वकिलाती कली चालीस वर्ष ज्योतिष गवेषणा कली चबीश वर्ष होगा पंदर रु ऊर्ध टी दुहजार चबीस कह गीता इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल। समस्या समाधान ग्रंथ कौन नाई से गोटाए श्लोक आपन परिवर्तन करी पारिबे नाही किंतु गीतार गोटाए श्लोक आपन को परिवर्तन करी देबो। मु चैलेंज दे कहिबे काहेकि कि मु आपन को एक कथा कहिले सबु कथार आमे प्रमाणिक तथ्य मागुचे ओकिल हिसाब रे कहिबी ज्योतिष हिसाब रे कहिबी से दस्तगत करिछि कि देखिछ कि करिछ कि आई विटनेस सबु कथा गीतारे कौन श्रीकृष्ण दस्तखत कर मानुंट कुरान दि प्रकार मुसलिम सिया और सुनी मोहम्मद दस्तखत कर मानुंट क्रिश्चियनिटी रोमन कैथोलिक बैप्टिस्ट एंड प्रोटेस्टेंट तीन प्रकार बाइबल रे तो जीशु दस्तखत करना ये हूँ जेंटलमैन एग्रीमेंट। आपण पर दुकान को जाऊँच पर ग्रोसरी शॉप को जाउचंती ग्रोसरी आणुचंती बही दुकान को जाउचंती बही आणुचंती कॉन्ट्रैक्ट साइन करचंती आणिले पैसा पेबे जेंटलमैन एग्रीमेंट। आपण जतबेळे गर्भ भीतर रहिबे अंधकार भीतर भगवान को डाकिबे प्रभु मते मुक्त कर दियो ए अंधारर मुक्त कर दियो आलोक प्रदर्शन कर सब प्रकार शर्त को राजी हेबे आसला परे आपण से शर्त पालन करचंती से मुह नहीं कर भगवान को देखा करें इज इट नॉट ए ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कौन चुक्ति खिलाफ नुह कि तेणु गीता हूँ आप देखिए भारत स्वाधीन है संविधान रहा केते थर परिवर्तन हलानी संविधान को नहीं विभिन्न शासक दल विरोधी दल विभिन्न प्रकार राजनैतिक दल हा हल्ला करदे गुड़ाए संशोधन एमेंडमेंट है कि कहीपरवे कि 5200 वर्ष तले जो गीता होता गोटाए श्लोक परिवर्तन ही नाही संशोधन ही नाही संशोधन हम भी नाही। काहेकि मुझे आपको एक कथा कहली गीता हूँ आम दैनंदिन जीवन चल प्रचल संविधान ताकू नहीं आम चलीचे आज्ञा जिते प्रकार कार्यकलाप से कथाटा ही ज्योतिष शास्त्र में प्रतिफलित होती आपण मैंने कौन आज्ञा पंदर षोल टीवी आपड़ कौन बोली कौन ताहले विभिन्न टीवी विभिन्न राशिफल कहला बेल भिन्न भिन्न मत कहीं परेषण सीटा ही आवश्यकता से सन्देह को मोचन करने को मुझे डाउट इज इजी फेथ इज डिफिकल्ट सन्देहटा सहज विश्वासटा कष्ट बट फेथ ग्रोस इफ इट यूजेस विश्वास को व्यवहार कले तार अभिवृद्धि घटे आम करूचे कौन we are having more faith over our doubt and more doubt over our faith विश्वास उपरे बेसी अविश्वास अविश्वास उपरे बेसी विश्वास दुनिया चलिबो नि आज्ञा। मु आपनो कहिवार अर्थ जते प्रकार आपनकर संस्कृत कोंतु जते प्रकार लैंग्वेज कोंतु वैषयिक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन प्रौद्योगिकगत विद्या कंप्यूटर भेषज विद्या मेडिसिन आईन बाबा जिते प्रकार विद्या आपड़ देखुंट जिते प्रकार शिक्षा अनुष्ठान देखु सबुति गोटे श्रेणी विभाग थाए फर्स्ट क्लास फर्स्ट वेस्ट टेन्थ फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन थर्ड डिविजन आ ज्योतिष शास्त्र रही आज्ञा पूरी में थी डीम यूनिवर्सीटर वाइस चांसलर मत कालिदास सम्मान में सम्मानित करते काशी विद्यापीठ से मतलब डॉक्टरेट पाइली मोर कहार मुख्य उद्देश्य जो मत भिन्न भिन्न होले फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट बेस्ट टेन्थ फर्स्ट डिविजन स्टूडेंट जहाँ गवेषणा कर उपस्थापना कर सही कथा आप थर्ड डिविजन टू आशा करेंगे करें ये जो ज्ञान गारिमा अनुसंधान गवेषणा उपस्थापनार शैली डिफर हो डिफर हो तेल गोटे कितु कंपानी अलग अलग आप जो कहीं तेणु मोर ये सन्देह कथा कहली ललाट लिखितम तन्मार्जितम कह कस्म संस्कृत व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी बोल्टेड व्हाट इज रिटन योर फोरहेड कैन नॉट ड्राफ्ट बाय एनीबॉडी
कपाल लेखन के करवान जी आ बोली भाविबा मुझे सृष्टिकरण देवा चाहिए। सो गॉड इज नॉट द सोल ऑथर ऑफ आवर डेस्टिनी, वी आर आल्सो द को ऑथर ऑफ आवर आम सह नियंता। बारिपटे पनीपरिया थी सनफ्लावर तेल के उपहार दे थो रोष घर रखीदे कौन तरकारी हम आपन को पड़ो क्रूद हाथ आसिकी पाज गोल टू कृपा डू एंड गेट आनलेस डू हाउ कैन गेट इट। सब को ने इलेक्ट्रिक चूल्हा काठ चूल्हा रखिदेवे दाह हेनी आज्ञा अग्नि संजोग करवाक पड़ो। सो भाग्यफल कार्यक्रम सतस्तरी बयस जन ज्योतिष चालीस पैंतालीस वर्ष गवेषणारत ज्योतिष विद्या को जदि कहे जे भाग्य बड़ ना कर्म बड़ आप आश्चर्य हो नाम कारण लाभ नाई भाई किसी जे जार नाम ओलटा ता कम आजिकल बिलकुल अच्छी ना ना सदानंद दुखरे दिन कटौच भिकारी छटा बिल्डिंग मालिक होती विनय उग्र स्वभाव सच्चिदानंद सत्चित आनंद भगवान को ना आज्ञा दुर्दल्यमान परिस्थित ये सन्देह आपण को रहा आपको दूरीभूत करने प्रथम है कर्म मुझे आप विश्वास करेंगे मुझे उदाहरण देवी आज्ञा आम जमी कोर्टे आर्गुमेंट कला बेले डिसीजन फाइल करें मोर विचारक मु मो गवेषणाटा को उपस्थापना कर सीता जोनि जन्म नुहति चाष कला बेले पाइले जन्म हो परशुराम विरुद्ध गले बाई शाशु घर को गले मंद चिंताधार व्यक्तिशेष मंथरा षड्र चक्रांत बनवास गले स्वामी सहित जार स्वामी पुरुषोत्तम पुरुष भितर उत्तम रावण अपहरण करा रक्षा कर पारे भगवान आपको आप कर्म कह भाग्य कह निष्पत्ति आपणकर दशरथ चारि पु प्राणवायु गला बेले किए पाखे नथिले विशिष्ट योद्धा त्रिकालदर्शी बिना चालक लिंग को जाई पूजा करथुला आणुथुला रावण लंका पड़गला किए रक्षा कर पारे आपको भाग्य कहे ना कर्म कहे ठीक से आपण को कह श्रीकृष्ण चक्रधारी चक्र देखाती शबर सरवेद करदेला किए रक्षा कर पारे आपको भाग्य भाव आख्या करेंगे ना कर्म भाव विचार करेंगे निष्पत्ति आपणकर ठीक से आपण को कह इच्छामृतर अधिकारी भीष्म सरसज्जार शोले कष्ट कि सहय कर पारा आपको भाग्य ना कर्म सुन श्रीकृष्ण परम सखा अर्जुन तक पुह अभिमन्युकर मृत्यु किए रक्षा कर पारे। सो भाग्य आउ कर्म गोटे मुद्रार दुईटी पाख आपण मान भर प्रश्न आग डिंब ना आग पक्षी आग भाग्य ना आग कर्म आग मंजी ना आग गच्छ दुईटी जाक आत्मनिर्भरशील जन को भाग्यवादी हवाक सी कर्म करने को पड़ो कर्म विना भाग्यर ना भाग्य विना कर्मर ना यहीप्रेक्षी आपन को सन्देह को मोचन करने भाग्यफल कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारण कर समय तो स्वल्प मत चुंबक उपस्थापन करने को पड़ो ये मोटिवेशनल कथा आपर आम विचार करवा गोचर प्रकार मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन राशिपाई आज दिन की किपर कटो मत उपस्थापना करने को पड़ो कि मन रखु प्रत्येक राशि तीन तीन टी नक्षत्र हुए नक्षत्र को नहीं महादशा अंतर्दशा प्राणदशा सूक्ष्मदशा विचार करा जाए ठीक से आम आरंभ करवा मेष राशि ठार एक बै एक अश्विनी मेष दुई बै एक द्विजा मेष तीन बै एक कृतिका मेष बृहस्पति द्वितीय तथा वृष राशि गृह धनस्थान जो आशा बास्तवतार परिणत हो मेष राशि गृह ठारू एकादश स्थान इच्छा पूर्ण लाभ गृह न्यायदाता दंडदाता क्षुद्रतर अपराध पर बृहत्तर दंड दवापी पश्चात हूँ ना शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि अवस्थान करत्येक उद्यम सफलता मिल स्थित अवस्थित पिस्थित नियंत्रणाधीन रचन आपण सपक्ष उद्यम सफलता मिल गृह मांगलिक कार्य संपादन करे विभिन्न दिगरू अर्थर झड़ देर विल बी विंड फॉल अप मनी
वैभव अर्थ संचय करिवे ऋण मुक्त होवे प्रतिकारर आवश्यकता नाही। वृष राशि ठीक से परि तीनटी नक्षत्र 3/2 कृतिका वृष, 4/2 रोहिणी वृष, 5/2 मृगशिरा वृष, से जो नक्षत्र हो ना कहीं आज्ञा वृष राशि वृष लग्न, तुला राशि तुला लग्न पाए शनि होचंती केन्द्राधिपति कोणाधिपति भाव में जोग कारक भाव में मूल त्रिकोण गृह कुंभ राशि अवस्थान करणु जो मैंने आईन व्यवसाय करुंट जो मानकर माली मकदमा निम्न अदालत ठारु हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट पर्यटन विचाराधीन अच्छी आपण को सपक्ष आदेश हे आशा बास्तवत परिणत हे समस्त जनप्रिय हे गृह मांगलिक कार्य संपादन करे कौन विश्वस्त अनुगत व्यक्ति सहित अंशीदार पार्टनरशिप डीड भाव में बिजनेस करने नोटरी पब्लिक पाखे डीड को पंजीकरण करेंगे। जान बाहन क्षेत्र में उत्तर उत्तर उन्नति हेब देह सुस्थ रतिकार आवश्यकता ना। मिथुन राशि 3/2 कृतिका वृष, 4/2 रोहिणी वृष, 5/2 मृगशिरा वृष। आपणकर गला ये भाविले आम जब मिथुन राशि कथा कहले वर्तमान जो बृहस्पति चलन हेल्ले भयभीत करदे द्वादश बृहस्पति बृहस्पति के खराब फल दिखते नहीं आज्ञा सी आप उच्च नीचे थांतु केन्द्र थांतु कोण से थांतु तृतीय षष्ठ अष्टम थांतु बा मकर राशि घरे आपणकर नीच अवस्था बा उच्च अवस्था कर्कट राशि घरे थांतु व्यतीव्यस्त हेबे नाही कहीं बृहस्पति शुभर मात्रा कमेदेवे मुझे आप विश्वास करेंगे उदाहरण दरकार आपण को दूधरे क्षीर से जिते जल मिसेले सी तार शुभ्रता नष्ट होना जो मानकर नीच अच्छा द्वादश बृहस्पति षष्ठ बृहस्पति अष्ट शुभर मात्रा कमिजी किंतु निश्चित भाव विलंबर है लक्ष्य स्थल में पहुँचे गॉड्स डिलेस आर नॉट हिज डिनायल्स भगवान को द्वारा सृष्टि करा जाइथिया विलंब तंकर प्रत्याख्यान नो कहिवार उद्देश्य मिथुन राशि ग्रह ठारु नवम तथा भाग्य कुंभ राशि रे मूल त्रिकोण ग्रह रे न्यायदाता शनि अवस्थान करिसंती दशम स्थान रे राहु वृष मीन राशि रे अवस्थान करिसंती विलंबर हेले घात प्रतिघात सत्वे बर्षार न भिजिले इंद्रधनु देखिबे नाही घात प्रतिघात सत्वे अति चतुरतार सहित निज कार्य हासिल करनेबे लक्ष्य स्थल में पहुँचे प्रतिकार आवश्यकता नाही। कर्कट राशि 7/4 पुनर्वसु कर्कट, 8/4 पुष्या कर्कट, 9/4 अश्लेषा कर्कट। खाली आपण मोर व्यक्ति विशेष नुह आज्ञा ओडिशा प्रदेश राशि नक्षत्र हूँ 8/4 1/4/1936 कुंडली काटतु भारत जब स्वाधीनता है से दिन कुंडली काटतु उभय भारत ओडिशा उभयंकर एका राशि एका नक्षत्र आपण प्रश्न पचारे आज्ञा एका राशि एका नक्षत्र सीए गोटे प्रकार सरकार ये गोटे प्रकार सरकार सीए जड़े किए क्या करूना आज्ञा सारा पृथ्वी के परिचालित करचंती सृष्टिकर्ता आपणकर एका राशि भाभी देखि जदि भाबुथुए भूल भाबुथुए रारु राम रारु रावण करु कंस करु कृष्ण कौन राजजट गले तांग भितरे मतांतर मनांतर नाही शत्रुता नाही अनु व्यतीव्यस्त हेबे नाही। कर्कट राशि पाए 1/5/2024 बुधवार दिन धन कारक संतान कारक उज्ज्वलमय भविष्य कारक ग्रह बृहस्पति 13 मास मेष राशि गृह वृष राशि को संचार कले अनु कर्कट राशि पाई एकादश बृहस्पति हेले एकादश गृह ला इच्छा पूर्ण लाभ सरकार जे गठन करचंती ना कहीं निश्चित भावे ओडिशा प्रदेश रो भारत वर्षर समूह उन्नति हेबो बेकार समस्या बहुमात्र समाधान हेब व्यक्ति विशेष जो मान कर्कट राशि कर्म क्षेत्र में पदोन्नति मिलवा सुनिश्चित एकाधिक स्थायी स्वीकृति प्राप्त उपार्जन पंथा पाइबे निजर निष्ठा चेष्टा प्रचेषा जो ऋण मुक्त हे कौन व्यक्ति विशेष सहित
आमदानी रप्तानी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्षेत्र व्यवसाय करने निष्पत्ति ग्रहण करने सुनिश्चित देह सुस्थ प्रतिकार आवश्यकता ना। सिंह राशि ना शुणु शुणु आप बुझीजे दि लायन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सिंह विषय कि रचना लिखे आज्ञा लायन इज अलवेज लायन। सिंह केवे घास खाइबनी आज्ञा। तीनोटी नक्षत्र 10/5 बघा नक्षत्र सिंह राशि 11/5 पूर्वफल नक्षत्र सिंह राशि 12/5 उत्तर फल नक्षत्र सिंह राशि। बृहस्पति आज्ञा 23/4 मन पक दूची आपण मानक मन पकातु कही 23/4/2023 रविवार अक्षय तृतीया दिन धनकारक ग्रह बृहस्पति मीन राशि मेष राशि को संचार करते वर्तमान 1/5/2024 बुधवार दिन से ही बृहस्पति 13 मास वृष राशि को संचार करेंगे। तेणु कौन है आप दशम है एणु बेकार मानक निजुक्ति मिलवा सुनिश्चित सी प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो समस्त स्थायी स्वीकृति प्राप्त उपार्जन पंथा पाइबे प्रतिद्वंदिता क्षेत्र में विजयी हेबे ये हला गोचर उपकार। जातक जदि भल समय चली महादशा अंतर्दशा गाणितिक हिसाब नवा प्रतिद्वंदितामूलक परीक्षा कंपिटेटिव एग्जामिनेशन रे मध्य दक्षता प्रतिपादन करी संतोषजनक कर्म जॉब सर्टिफिकेशन तृप्तिजनक दरमा कंटेंडेड सैलरी पाई कर्म क्षेत्र में अवस्थापित होगा निश्चित। खाली से अंत नुह आज्ञा मन पसंदर जीवन साथी जिकि शिक्षिता कर्मजीवी महिला होते जेहेतु कि बृहस्पति शुद्धि गुरु शुद्धि रही निश्चित भाव विवाह बंधन तारीख भी धार्य हो प्रतिकार आवश्यकता। कन्या राशि बहु कष्ट भोगिले आज्ञा 3 वर्ष भोगिले जोटा कि भाषा प्रकाश करा जाई पारिबनी। 12/6 उत्तर फाल्गुनी कन्या 13/6 हस्ता कन्या 14/6 चित्रा कन्या। आपण एथुर विश्वास करंतु सृष्टिकर्ता सृष्टि को तैयार कले आपणक परि लोक को बुझाइबापाई 12 घंटा दिन 12 घंटा राति 15 दिन शुक्लपक्ष 15 दिन कुष्ठपक्ष 24 घंटा जाक दिन नुह कि 24 घंटा जाक राति नुह 3 दिन जाक कृष्णपक्ष नुह कि 3 दिन जाक शुक्लपक्ष नुह प्रमाण करदे जे उत्थान पतन जय पराजय निंदा प्रशंसा भल मंद गोटे मुद्रार 2 पाख। तेणु कन्या राशि लगातार भाव में आम आज कथा चिंता करुचे लगातार भाव डेट लिखतु 1/5/2024 ठारु 3 वर्ष 3 मास पर्यंत तथा 1/8/2027 पर्यंत कन्या राशि आर्थिक वृत्तिगत स्वास्थ्यगत पारिवारिक सामाजिक राजनैतिक भौतिक मांगलिक एपरिक विदेश यात्रा क्षेत्र में मध्य आश ठारु अधिक शुभ फल भोग करेंगे प्रतिकार आवश्यकता। तुला राशि 3 नक्षत्र 14/6 चित्रा तुला 15/6 स्वाति तुला 16/6 विशाखा तुला। तुला राशि तुला लग्न पाई शनि होती योगकारक चतुर्थाधिपति केन्द्राधिपति पंचमाधिपति कोणाधिपति भाव शनि जे कि न्यायदाता दंडदाता क्षुद्रतर अपराध पाई बृहत्तर दंड देवाई शनि के पश्चाताप हूँ ना सौभाग्यवशतः तर मूल त्रिकोण ग्रह कुंभ राशि अवस्थान कर सब वाले तुलनात्मक निष्पत्ति ने आशा वास्तवत परिणत हो कि दुर्भाग्यवशतः अष्टम स्थान रे ये जो 1/5/2024 तारीख दिन बृहस्पति चलन है रक्त संपर्क तुम्बारू साज्य प्राप्त व्यक्ति विशेष परिस्थिति रे चापरे पड़ी आर्थिक मेरुदंड दोहली जीव आशा आशंकर परिणत हेब किंतु परिशेषर फलाफल शनि शुभत्व जो लक्ष्यस्थल पहुँचे शनि हेले योगकारक तेणु प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षा निरीक्षा समीक्षा कर निष्पत्ति ग्रहण करतु नथिले आर्थिक क्षेत्र सम्मुखीन होगा संगे संगे अर्थ अनर्थर कारण हे दुर्घटनार सम्मुखीन हो पारती तेणु हाते मापी चाखेटे चलतु हनुमान गायत्री मंत्र को पढ़तु ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
ଧନ ହନୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭର ମାତ୍ରା କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ ବିଛା ରାଶି, 16x8 ବିଶାଖା ବିଛା ହଉ, 17x8 ଅନୁରାଧା ବିଛା ହଉ, 18x8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ହଉ, ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଦିନ ବେଶୀ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବର୍ଷ ହେଉଛି, କାଳ ବୈଶାଖୀ ହଉ ଯା ହଉ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଏଣୁ ବିଛା ରାଶି ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଅପବାଦରେ ଅପମାନିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ 1/5/2024 ବୁଧବାର ଦିନ ଧନକାରକ ସନ୍ତାନକାରକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମେଷ ରାଶିରୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ 13 ମାସ ପାଇଁ ସଞ୍ଚାର କଲେ, ଏଣୁ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା, ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧି ରହିଲା, ଗୃହରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ଦରକାର, ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶି କ୍ଷଣକୋପି ତା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ରହିବ, ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଫର୍ ସର୍ଟ ୱାଇଲ, ଏଣୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଭାବରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବାହାରୁ ଭାଷା, ବରୁ ବ୍ୟବହାର, ଆକୁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ଆଖି ଥାଇ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରି କନାପଟି ପଟୁଳି ବାନ୍ଧିବେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର 100ଟି ପିଲା ନାଶ ହୋଇଗଲେ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ହରିଯିବ, ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 108 ଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷେ ତୁଳସୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଉଗ୍ରଂ ବୀରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜଳନ୍ତଂ ସର୍ବତ ମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟଂ ଓଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ନମଃ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଶରଣାପନ୍ନ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରନ୍ତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଧନୁରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, 19x9 ମୂଳା ଧନୁ, 20x9 ପୂର୍ବ ଷଡ଼ା ଧନୁ, 21x9 ଉତ୍ତର ଧନୁ ପରି ନମ୍ରତା ନିରବତା ସରଳତା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇଗଲେ ମେଷରୁ ବୃଷ ଆପଣଙ୍କର 6ଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ, ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନିରବତା ସରଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ହେବ, ଜନପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଯିବ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଏପରିକି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତୁମ୍ଭର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତିରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଷ୍ଟାମ୍ପଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାକି ମନସ୍ତାପକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ଏଣୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ନକରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଓଁ ରାମଦୂତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନୋ ହନୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ, ମକର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର, କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ, କୁମ୍ଭୀର ହେଲା ଉଭୟଚର, ଜଳରେ ରହିବେ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇ ଯେଉଁ 1/5/2024 ତାରିଖ ଦିନ ଧନକାରକ ସନ୍ତାନକାରକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତକାରକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରକାରକ ବୃହସ୍ପତି 13 ମାସ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶିରୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ ସଞ୍ଚାର କଲେ, ଏଣୁ 21x10 ଉତ୍ତର ଷଡ଼ା ମକର, 22x10 ଶ୍ରବଣା ମକର, 23x10 ଧନିଷ୍ଠା ମକର ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ,
କଥାରେ ଗାଳି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ପଞ୍ଚମରେ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଚିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଝଡ଼ ବହିବ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। ନୂତନ ବାସଗୃହ ବି ମାନେ ଖରିଦ କରିବେ। ଏପରିକି କ୍ଷମତାର ବଳ ଭିତରେ ରହିବେ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ 23/11 ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ, 24/11 ସତବିଷା କୁମ୍ଭ, 25/11 ପୂର୍ବଭଦ୍ର କୁମ୍ଭ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଗୃହରେ ବ୍ରତ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏକାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ମାଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବୋନାଫାଇଟ୍ ଆସ୍ୟୋର୍ଡ ଇନକମ୍ ଫାସିଲିଟିସ୍ ପାଇ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶେଷ ରାଶି ଆଜ୍ଞା ମୀନ ରାଶି। 25/12 ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ, 26/12 ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ, 27/12 ରେବତୀ ମୀନ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିପାରିବେ। ଯଦିଓ ଚ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଉପାର୍ଜନ କମିଯିବ, ଦେହ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେବ। ଗଡ୍ସ ଡିଲେଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିନାଇଲ୍ସ। ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ନିଜର ନାମ ଠିକଣା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଲେଖି ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟଫଳ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 187 N/2 IRC ଭିଲେଜ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର 15। ଇଏ ଥିଲା 12 ରାଶି। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଗୋଚର ପ୍ରକାରେ କିପରି କଟିବ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି, ବିଦାୟ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ TVରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।